हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में। ये कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्म्स है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट टर्म है जैसे स्टॉक एक्सचेंज। सो व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो कंपनी इशूज करती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस आर द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज सच एज शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर दे हैव बीन इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। सो एक बार कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में इशू कर देती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट जिसको कि हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहाँ पे इन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग से मतलब है बाइंग एंड सेलिंग होती है। कंपनी इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग देयर सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज टू अलाउ देयर सिक्योरिटीज टू बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। सो जो कंपनीज अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है, लिस्ट कराने में इंटरेस्टेड होती है, उनको स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से जब स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी में एग्रीमेंट हो जाता है तो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया जाता है। देन स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ की रोल इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। सो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, दे प्ले अ की रोल टू क्रिएट द लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। सपोज कोई इन्वेस्टर है, उसके पास शेयर्स पड़े हैं किसी कंपनी के, उसको कैश चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को सेल कर देगा और इस तरह से उसको कैश मिल जाएगा। इस तरह से जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इज़ बेस्ड ऑन एन ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिथम विच इंश्योर्स दैट द बेस्ट बाय ऑर्डर मैचिज विद द बेस्ट सेल ऑर्डर। सो सपोज कोई इन्वेस्टर है, उसके वो कंपनी ए के शेयर्स जो है वो परचेज करना चाहता है, उसने 200 रुपीज़ की बिड डाल दी है, और कोई सेलर है वो भी कंपनी ए के शेयर्स जो है उसको सेल करना चाहता है एट अ प्राइस ऑफ 200। तो इस तरह से दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो मैच कर जाएंगे, तो इस तरह से उन्हें डील हो जाएगी। देन स्टॉक एक्सचेंजेस अर्न मनी बाय चार्जिंग अ फी टू द ट्रेडिंग मेंबर्स। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने ट्रेडिंग मेंबर्स जो उनके ब्रोकर्स होते हैं उनसे फ़ी चार्ज करता है। इन इंडिया BSE नॉन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस। सो इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। इसके अलावा 15 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी है इंडिया में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। इसका फार्मूला देख लीजिए। सो करंट स्टॉक प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। इट शोज द स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कंपनी। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की वैल्यू को बताता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद एवरी चेंज इन शेयर प्राइस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है कंपनी की वो चेंज करती रहती है विद चेंज इन शेयर प्राइस। सो शेयर के प्राइसेस जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी चेंज होती जाती है। The number of shares change rarely and only when a company decide to issuing additional shares via right issue, bonus issue, employee stock ownership plans, preferential allotment, etc. or when it may reduce the number of shares via say buyback. So, जैसे कि बताया कि market capitalization दो factors पे depend करती है, एक तो share price पे, दूसरा number of shares पे. सो शेयर की प्राइस तो ट्रेडिंग आवर्स में चेंज करती रहती है, बट जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो रेयरली चेंज करते हैं किसी भी कंपनी के। वो किस टाइम पे चेंज करती है? जैसे कंपनी ने कोई एडिशनल शेयर मार्केट, कंपनी कोई अपने एडिशनल शेयर्स मार्केट में लेके आ गई है, उसने राइट
शेयर इशू कर दिए हैं, बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, या कोई वो अपना ओनरशिप प्लान लेके आई है, तो ये जो कंपनी चीज़ें करती है उससे कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो चेंज होते हैं और ये इफ़ेक्ट डालते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। शेयर्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो पहली 100 कंपनीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट जो 200 तक कंपनीज होती है, 101 से 200 कंपनी, उनको मिड कैप कंपनी कहा जाता है, और 200 से जो नीचे वाली कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटलाइजेशन कंपनी को हम ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन सम ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन आर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC लिमिटेड एक्सेट्रा। सो दिस इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है वो है कैपिटल गेन टैक्स। सो देखते हैं अब क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स। रिटर्न्स जनरेटेड ऑन सेल ऑफ एसेट्स सच एज शेयर्स आर कैपिटल गेन एंड सब्जेक्ट टू टैक्स। सो जो शेयर्स को सेल करके जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं उनको कैपिटल गेन कहा जाता है और दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स। कैपिटल गेन्स अकर व्हेन इन्वेस्टर्स सेल एन एसेट से शेयर्स एट ए हायर प्राइस देन द प्राइस एट विच द शेयर्स वर परचेज्ड बाय हर। सपोज किसी पर्सन ने 100 रुपीज़ का एक शेयर लिया है और उसको 150 पे सेल कर दिया है, तो ये जो 50 रुपीज़ का उसको गेन हुआ है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, और इस 50 रुपीज़ पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज इन इंडिया एंड अक्रॉस मैनी कंट्रीज। तो कैपिटल गेन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शेयर्स विच आर सोल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज आर सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इफ द इन्वेस्टर हैज मेड अ गेन व्हेन सेलिंग शेयर्स, सच गेन इज टैक्स्ड एट अ फ्लैट 50%। सो अगर कोई इन्वेस्टर अपना जो शेयर है वो विद इन 1 ईयर सेल कर देता है और उसको उन शेयर्स पे गेन होता है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा और उस पे 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा, राइट। हाउएवर दीज शेयर्स मस्ट हैव बीन ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स STT शुड हैव बीन पेड ऑन दीज शेयर्स। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होते हैं कि जब कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स 1 साल तक रखता है और 1 साल के बाद उसको गेन पे सेल कर देता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और इस पे 10% जो है वो टैक्स लगाया जाता है। गेन्स मेड ऑन शेयर्स ट्रेडेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड आर टैक्स्ड एट सेपरेट रेट्स। कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स सेल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल लॉसेज अंडर सर्टन इनकम टैक्स रूल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि अगर किसी इन्वेस्टर को कैपिटल गेन हो जाता है, सपोज किसी के पास कंपनी ए के शेयर्स है, उसने कंपनी ए के शेयर्स जो है सेल कर दिए, उसमें उसको 5,000 रुपीज़ का गेन हो रहा है। उसके पास कंपनी बी के भी शेयर्स हैं, उसने कंपनी बी के शेयर्स को सेल किया और उसको 3,000 का लॉस हो गया। अब उस पे जो टैक्स लगेगा वो 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 2,000 पे उसको टैक्स लगेगा, तो उसके जो लॉसेस होंगे वो सेट ऑफ हो जाएंगे गेन के साथ, तो उसको नेट पे जो है वो टैक्स लगेगा। सो दिस इज अबाउट द कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इंडियन फर्म्स कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच गेट प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड अनाउंस्ड बाय कंपनी। दिस मीन्स दैट अ कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट एंड देन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं।
अगर कंपनी जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। इन केस अ कंपनी इज वाइंडिंग अप, द फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेम अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर सिमिलर टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ वे दैट दे मोस्टली रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, डिविडेंड है, उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डेट होल्डर्स को, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर के केसेस में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। सम प्रेफरेंस शेयर्स कैन ऑल्सो रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, दीज आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, सपोज किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए, उन्होंने डिविडेंड नहीं पे किया, नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हो गए, तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर वाले डिविडेंड है, जो डिविडेंड रहता है पे करना, वो डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो मतलब डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव हो जाते हैं, पहले कंपनी पुराने डिविडेंड पे करेगी फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नए डिविडेंड पे किए जाएंगे। तो ऐसे जो शेयर्स कंपनी इशू करती है उनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। इन इंडिया प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स ऑफ इशुएंस एंड सच प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो इंडिया में 20 ईयर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको रिडीम कर दिया जाता है। एज़ पर द कंपनीज एक्ट जो इंडियन कंपनीज है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूज नहीं कर सकती। सो ये था प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट जो टर्म है जो कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सब देखते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द एजेंट्स और स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर्ड विद NSDL और CDSL। सो दीज आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। NSDL स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL स्टैंड फॉर कॉरपोरेट डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दे आर NSDL स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सो ये दो डिपॉजिटरी है इंडिया में। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को लाइसेंस देती है अंडर द प्रोविजन ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो डिपॉजिटरीज के एजेंट्स होते हैं। सो दे एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में इंटरमीडियरी का लिंक का काम करते हैं। दे कनेक्ट द डिपॉजिटरीज टू द इन्वेस्टर्स, दस प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। फॉर दिस दे चार्ज द इन्वेस्टर्स अ मिनिमम फीस ऑफ ₹5 एंड अ मैक्सिमम ऑफ ₹25 डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। इन्वेस्टर्स से वो फी चार्ज करते हैं, मिनिमम 5 से लेके मैक्सिमम ₹25 तक की ये फीस वो चार्ज करते हैं इन्वेस्टर्स से। देन दीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे द बाइंग एंड सेलिंग फीस टू द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी। और इन्हीं फीस में से वो कुछ जो पेमेंट होती है वो डिपॉजिटरीज को पे करते हैं। एन इन्वेस्टर न्यू टू द स्टॉक मार्केट नीड्स टू अप्रोच अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो क्या होता है कि कोई जो नया इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोले। डीमैट अकाउंट होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ है वो होल्ड की जाती है। शेयर्स परचेज्ड बाय इन्वेस्टर्स आर हेल्ड इन दैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बट द इन्वेस्टर रिमेन द सोल बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो ये अकाउंट जो होता है डीमैट अकाउंट होता है इन्वेस्टर का उसको मेनटेन करते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शेयर्स के ऑनर्स होते हैं इसमें।
बट उनका अकाउंट जो होता है, जो डीमैट अकाउंट होता है, उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ बाय और सेल ट्रांजेक्शन, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्रेडिट और डेबिट द डीमैट अकाउंट अकॉर्डिंगली। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन पे डीमैट अकाउंट को अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफर सेवरल सर्विसेज सच एज प्लेज एंड अनप्लेज ऑफ शेयर्स फॉर लोन्स, कॉर्पोरेट एक्शन हैंडलिंग एक्सेट्रा। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इन्वेस्टर को कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ शेयर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं, बट इसके लिए उनको डिपॉजिटरी से लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी ब्रोकर इन दोनों जो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, CDSL एंड NSDL, इन दोनों से लाइसेंस, कोई एक ब्रोकर इन दोनों से लाइसेंस भी ले सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अर्न इनकम बाय चार्जिंग फीस टू देयर क्लाइंट्स फॉर सर्विसेज सच एज अकाउंट ओपनिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। सम मे ऑल्सो चार्ज एन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने इन्वेस्टर्स से, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे इस तरह की जो फीस है वो चार्ज करते हैं। टिपिकली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रोकिंग फर्म्स एक्ट एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड द शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।